जिला गठन होने के बाद में मंडल के अंदर भी सूची जारी हो चुकी है, मंडल के अंदर भी सभी मोर्चों की लिस्टें जारी हो चुकी है। मनीष जैन जी जो कि अल्पसंख्यक मोर्चे के अंदर मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं, दोबारा बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। मनीष जी क्या कहना चाहेंगे, दोबारा से ये जिम्मेदारी मिली है? मैं पार्टी का बहुत आभारी हूँ और मैं रीना महेश्वरी, मुकेश मोदी भाई साहब और मंडल अध्यक्ष संजय पंचाल जी का और अपने मोर्चों के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझ पर जो जिम्मेदारी विश्वास किया है मैं उस पर खरा उतरूंगा। मनीष जैन साहब, लगभग अगर हम बात करें पार्टी की सेवा की तो लगभग कितने साल हो गए पार्टी की सेवा करते? 15-16 साल हो गए सर। 15-16 साल? हाँ जी हाँ जी, लगातार। हाँ जी हाँ जी, पद अभी 6 साल से, 3 साल पहले अभी ये दोबारा रिपीट करा हूँ। काम बहुत किया? काम बहुत किया जी। हाँ जी, पार्टी के लिए बहुत काम किया। सारी पार्टी एक तरफ और भाजपा एक तरफ, पार्टी बहुत काम लेती है सर, सुनने में आता है। नहीं नहीं, काम तो लेती जी, बस जो काम होता है उसे करना होता है जी, करना होता है, फाइनल करना होता है। क्या लगता है 2024 को देखते हुए? 400 पार। 400 पार? हाँ जी हाँ जी, 400 पार, मोदी जी का कहना 400 पार। क्या इतने उम्मीद दिख रही है, इतना काम हुआ है? 400 पार सर, बिल्कुल जो मोदी जी ने कह दिया वो सत्य है, वो सत्य है। हाँ जी हाँ जी। उम्मीद क्या लग रही है यहाँ उत्तर पूर्वी लोकसभा से, यही चेहरे होंगे मनोज तिवारी जी के उससे ही हम चुनाव लड़ेंगे, तैयारी करेंगे और जो कहेंगे हमें वो करेंगे। मंडल तैयार है चुनाव लड़वाने के लिए मनोज जी को? हाँ जी हाँ जी, पूरा तैयार है जी मंडल। कोई गुटबाजी, कोई नाराजगी? नहीं नहीं, कोई नाराजगी किसी से, किसी बात की नाराजगी नहीं है, सब तैयार है। अशोकनगर वार्ड के अंदर क्या नाम है, बजट लेख हुआ है, कुछ काम हुआ है मनोज सांसद जी के द्वारा? सारी गलियां सब बढ़िया हो गई है, सब सारे काम हो रहे हैं, सब काम हो रहे हैं। सब पब्लिक खुश है, पूरी खुश है। जनता से क्या अपील करेंगे? तो जनता जी बस फिर मोदी जी को लेकर आए, कमल को लेकर आए, अपना क्या नाम है हमारे मनोज तिवारी जी को जिताए। आपको क्या लगता है, नौजवान तैयार है मोदी जी को लाने के लिए? हाँ जी, नौजवान बुजुर्ग सब तैयार है जी, सब तैयार है। घर घर मोदी, हर हर मोदी, जय मोदी।